बरहाल की वार्ड नंबर 41 उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। लंबे समय से यहां कांग्रेस का राज रहा है, पर इस बार परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। इसी क्रम में हमारे संवाददाता द्वारा AIMIM के वार्ड नंबर 41 के पार्षद प्रत्याशी तोकी निजामी से चर्चा की और साथ ही जाना कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि फिर निजामी लंबे समय से जनता के बीच जमीनी स्तर पर काम करते आ रहे हैं। देखिए, यही तो छलावा है एक्चुअली यहाँ की वार्ड की जनता या नरेला विधानसभा की जनता को, यही तो समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर तुम विकास पुरुष होते या विकास की बात करते, यहाँ तो विकास को तुम देख के कर रहे हो। मस्जिद के सामने वाला रोड तुम छोड़ रहे हो, मंदिर के सामने वाला रोड तुम बना रहे हो, इस तरह का तुम विकास कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी है, विधायक है जो यहाँ के, और यहाँ के जो मंत्री हैं उनके जो वार्ड का यहाँ पार्षद लड़ रहे हैं, इससे पहले भी तो यही किया उन्होंने। सबीना रिहान जो डॉक्टर रिहान की बीवी है, इससे पहले वो यहाँ पार्षद रह चुकी है 16 महीने के लिए। अगर तुम विकास पुरुष थे, विकास कर सकते थे या जनता को छलने का भी काम कर रहे हो, वो दिखाने के लिए तो तुमको कम से कम तब कर देते। तुम्हारा मंत्री था, तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारी केंद्र में थी, 3-4 इंजन थे आपके, एक इंजन नहीं था, डबल ट्रिपल 4-4 इंजन थे तुम्हारे, तब तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे हाथ में सब कुछ था, तब तुमने यहाँ का विकास नहीं किया। आज तुमको लोग जिता दें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो तुम कैसे विकास करोगे? ऐसे ही विकास करोगे? हमने आज पूरे में वार्ड नंबर 41 में घूम घूम कर देखा है कि जहां पर हिंदू एरिए हैं, जहां हिंदू समाज के भाई हमारे रह रहे हैं, वहां तो विकास किया गया, वहां नालियां बनी हुई हैं, रोड बने हुए हैं, वहां सब कुछ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आ जाइए, 22,500 कुछ वोट है यहाँ, उसमें से केवल 1,500-2,000 हिंदू समाज का वोट है, और वो हिंदू समाज के 2,000 वोटों का आप हालत देख लीजिए। और जो 20,000 लोग रह रहे हैं, बद से बदतर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, उनकी बस्तियों के हाल जाके देख लीजिए, तो दलितों से बदतर हालत उनकी है। नालियां, रोड, बहुत सारे विकास कोई कार्य नहीं हुए। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को अगर लोग जिता देते हैं, तो कैसे विश्वास भरोसा कर लूं कि तुम फिर यहां विकास कार्य करोगे? तो क्योंकि जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है जनता का? अल्हम्दुलिल्लाह, जनता जागरूक है, जनता सब समझती है, उनको ये पता है कि यार हमारी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर लड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ असद ओवैसी होते हैं, ऑल इंडिया मजलिस एतेहादुल मुस्लिमीन होती है, जहां दलित और मुस्लिम की बात सिर्फ और सिर्फ यही एक नेता है जो करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देख लें छोटे मध्य, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे अकबर मारा जाए, चाहे हमारी बिल्किस बानो के ऊपर कोई मामला हो, तो कौन निकल के आता? सिर्फ एक ही आवाज होती है, वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मजलिस एतेहादुल मुस्लिमीन। इसलिए मैं कौम के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि इनके छलावे बहकावे में आप ना आए। एक बार आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें, और आप हमारी जो पार्टी ऑल इंडिया मजलिस एतेहादुल मुस्लिमीन, उसको मजबूत करें, जिससे आने वाले कल में हम आपकी लड़ाई लड़ सकें। जनता आपको अपना लीडर चाहती है, प्रथम काम क्या रहेगा जो जनता के लिए? देखिए, प्रथम काम मेरा सबसे पहले काम यह है, जो मुस्लिम समाज की हमारी जो बस्तियां हैं, चाहे सोनिया कॉलोनी हो, बिस्मिल्ला कॉलोनी हो, अफकार कॉलोनी हो, और जितनी भी कॉलोनियां हैं, इन सारी कॉलोनियों में जो अंदर गलियों में रोड तो बद से बदतर हालत है, सबसे पहले मैं उन रोडों को बनाने का काम करूंगा, फिर उनकी नालियों को दुरुस्त करने का काम करूंगा। शिक्षा पर हम यहाँ पूरी तरह हमारा फोकस होगा, क्योंकि हमारी कौम के लोग शिक्षा पर पिछड़े हुए लोग हैं, शिक्षा पर हम पूरा काम करेंगे। इसके बाद हमारा होगा कि हमारी जो पर्दा नशीन माँ बहने हैं, समूह लोन जाल में इन लोगों ने इतनी जाल में उनको फंसा दिया है, उस पूरे जाल से भी उन्हें हम निकालने का काम। एक सबसे बड़ी चीज आती है, चुनाव नजदीक आते हैं, मुद्दों की बातें होती है, विकास की बात होती है, पर क्राइम रेट को लेकर कोई नेता बात नहीं करता। जबकि आप खुद इस बात को जानते हैं, जिस क्षेत्र से आप बात कर रहे हैं, जहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भोपाल में क्राइम रेट में भी जगह का नाम आ गया है। देखिए, कैसे कंट्रोल किया? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सच है, यहाँ हम वही अपने जो लोग हैं उन लोगों को समझाने की बताने की कोशिश करेंगे। हमने ये समझाएंगे कि आप लोग हमेशा से कांग्रेस या बीजेपी के साथ रहे हो, इसके बाद आपको हर हाल में ऑल इंडिया मजलिस एतेहादुल मुस्लिमीन के साथ चलना है। असद साहब की सीरत और सूरत को भी आपको देखना है, और देखकर आप जो क्राइम है
हम इंशाल्लाह हर हाल में यहाँ इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जब हम नौजवान को यहाँ शिक्षा की बात करेंगे, बच्चों को भी हम शिक्षा की तरफ लेके जाएंगे, हम उनकी बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करेंगे, उनके जो मेन मुद्दे हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो क्राइम है वो क्राइम यहाँ हर हाल में कम होगा।